दोस्तों, मैं आपको बताने आज जा रहा हूँ, अगर आपका ईपीएफ अकाउंट में बैलेंस आप नहीं चेक कर पा रहे हैं तो कैसे करें। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, ब्राउज़र में जाएं और सबसे पहले ईपीएफ को मेंबर लॉगिन सर्च करें। टॉप पे रिजल्ट आएगा मेंबर होम, आप इस पर क्लिक करें। थोड़ा इसमें कई बार टाइम लग सकता है बिकॉज दिस वेबसाइट डिपेंड ऑन योर नेटवर्क, नेटवर्क स्पीड पे और आपके बैंडविड्थ पे ये डिपेंड करेगा कि सर्वर की स्पीड पे कितनी देर में ओपन होएगा। आप इस वेबसाइट पे जाएं और अपना यूएएन नंबर डालें, पासवर्ड चेक करें और ये कैप्चा जो इमेज में आपको टेक्स्ट दिख रहा है वो एंटर करें। अब देखिए, मैं इसमें लॉगिन करने जा रहा हूँ। साइन इन करने के क्लिक करने के बाद आपको ये एरर आ सकता है। हो सकता है आपको ये एरर दिखे तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इस एरर का मतलब है और ये एरर कुछ देर बाद अपने आप आपको वापस लॉगिन स्क्रीन पे ले जाएगा। इसका देखिए ये मतलब नहीं है कि वेबसाइट डाउन है या फिर सर्वर में इशू है, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप अपना पासवर्ड गलत एंटर कर रहे हैं या फिर कुकीज़ क्लियर नहीं है। पासवर्ड चेक करने से पहले आप मोर टूल्स में जाएं और क्लियर ब्राउजिंग डेटा कर दें। लास्ट आर सिलेक्ट ऑल टाइम एंड क्लियर ऑल डेटा, सारा हिस्ट्री क्लियर कर दें। इसके बाद ब्राउज़र को रीस्टार्ट करें और फिर से यहाँ पे जाएं। अगर आपको पासवर्ड आपको लगता है कि आप गलत एंटर कर रहे हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करें। फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करने के बाद आपसे ये कुछ डिटेल्स पूछेगा, आप इस अपने पासवर्ड को रीन्यू कर, आप इसको री एंटर करके वो नया वाला पासवर्ड यूज़ करें। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सर्वर इस ठीक काम कर रहा है लेकिन आपका पासवर्ड गलत है, इसलिए ये बार बार एरर आता है। और थोड़ा वेट करें, ये थोड़ा देर बाद ये एरर चला जाता है। अगर आपका लॉगिन क्रेडेंशियल ठीक है तो ये आपके मेंबर पासबुक आप देख पाओगे। धन्यवाद।